लालची आम पापड़ वाला शहर के थोड़ी सी दूर काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग बेहद ही मेहनती थे। काशीपुर गांव में हर मौसम के अनुसार फलों का उत्पादन किया जाता था, जैसे कि सर्दियों में सेब और गर्मियों में आम। इसके बाद उत्पादित फलों से पापड़, टॉफी, जेली, मुरब्बा आदि जैसी चीजें बनाई जाती थी। अभी फिलहाल आम का सीजन चल रहा था, जिसके चलते पूरे गांव में आम की अलग अलग तरीके की वैरायटी बनाई जा रही थी। ऐसे गांव के दो आदमी हरिया और मुन्ना आपस में बात करते हुए बोलते हैं, भाई इस बार तो बढ़िया आम लगे थे, मैंने तो खूब सारा अचार और मुरब्बा बना दिया है, इस बार मार्केट में अच्छा दाम मिल जाएगा। हाँ भाई सही बोल रहा है, इस बार प्रकृति के देन से आम की खेती बहुत बढ़िया हुई है। मैं भी आम की टॉफिया और ढेर सारा आम पापड़ बना रहा हूँ, बस मार्केट में इसका सही दाम मिल जाए तो सारा साल फिर आसानी से कट जाएगा। हरियो और मुन्ना आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास से धनी राम नाम का बनिया निकलता है। धनी राम भी बाकी सबकी तरह ही हर सीजन के हिसाब से पापड़ बनाने का काम किया करता था। धनी राम को रोकते हुए हरिया बोलता है, अरे धनी राम भाई बन गया तुम्हारा आम पापड़? हाँ भाई बन गया। तो इस बार क्या कीमत रखे हो अपने आम पापड़ की? अब पहले मैं सभी के आम पापड़ की कीमत को जानूंगा और फिर उसके बाद मैं अपने आम पापड़ की कीमत बताऊंगा। भाई मैंने तो आम पापड़ को 50 रुपए किलो रखा है। और भाई मैंने तो आम पापड़ को 70 किलो रखा है, मैंने एकदम बढ़िया सिंदूरी आम का आम पापड़ बनाया है। हाँ अच्छा चलो अच्छी बात है, मेरे आम पापड़ का दाम तो केवल 10 रुपए किलो है और अगर किसी को ये भी ज्यादा लगेगा तो मैं केवल 5 रुपए किलो में ही आम पापड़ दे दूंगा। अरे भाई तुम्हें कोई पागल जानवर काट गया है क्या? अरे इतनी मेहनत करके आम पापड़ बनता है और तुम इतना सस्ता बेच रहे हो, और अगर इतना ही सस्ता बेचना है तो एक काम करो, तुमसे हम पापड़ खरीद लेते हैं और दुगना मुनाफा करके हम बेच लेंगे। लो भाई लो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो केवल अपनी लागत से और पैसे से लेन देन है, मुझे बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम पापड़ गांव के लोग खरीद रहे हैं या शहर के लोग खा रहे हैं। इतना बोलकर धनी राम वहां से चला जाता है। मुन्ना और हरिया धनी राम की बात सुनकर खूब हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है और धनी राम पूरे गाँव में सबसे सस्ता आम पापड़ बेचने लगता है। गांव भर के सभी आदमी धनी राम के इस सस्ते आम पापड़ के बेचने को लेकर सोच में थे। हर कोई इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी धनी राम इतने सस्ते पापड़ क्यों बेच रहा है। ऐसे ही एक दिन गांव के सरपंच जी एक पंचायत बिठाते हैं और बोलते हैं, सुनो भाई गांव वालों, हमारे गांव में शहर से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं और वो हमारे गांव में बनी हुई फल फ्रूट वाली सारी चीजों का निरीक्षण करेंगे और उनको हमसे अच्छे दामों में खरीद लेंगे, और उन्हें अगर हमारा बनाया हुआ अचार, मुरब्बा, ट्रॉफी, पापड़ आदि जैसी सारी चीज पसंद आई ना तो फिर काफी सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट वो हमारे गांव के लोगों के साथ साइन कर लेंगे। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है सरपंच जी। ऐसे तो हमारी दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी सरपंच जी। इतना कहकर पंचायत खत्म की जाती है और सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक दो दिन बाद विपुल नाम का एक आदमी अपनी पूरी टीम के साथ गांव में आता है। सभी गांव वाले अपनी बनाई हुई चीजों के साथ बारी बारी से टीम के पास जाते हैं। विपुल सभी के आम पापड़ और अन्य चीजों को चखता है और सभी से उनके सामान की कीमत पूछता है। लास्ट में धनी राम की बारी आती है। धनी राम अपना बनाया हुआ आम पापड़ टोकरी में लेकर विपुल के पास पहुंचता है। आम पापड़ को चख कर विपुल बोलता है, अरे वाह इतना स्वादिष्ट आम पापड़ तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, सच में इसका स्वाद बहुत अच्छा है, क्या कीमत है इसकी? जी केवल 10 रुपए किलो, और आप जितना चाहेंगे मैं आपको उतना आम पापड़ बनाकर दूंगा, वो भी इसी स्वाद का। क्या कहा आपने, केवल 10 रुपए? आप मजाक कर रहे हैं क्या हमारे साथ धनी राम जी? विपुल की बात सुनकर धनी राम अपना टोकरा उठाकर वहां से चला जाता है। तभी विपुल की टीम में काम कर रही सोना नाम की एक लड़की बोलती है, सर आप क्या सोच रहे हैं, इससे सस्ता और अच्छा आम पापड़ हमें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप पूरे गांव को छोड़कर धनी राम से डील साइन कर लीजिए, हमारा मुनाफा ही मुनाफा है, हम थोड़े पैसों में चीज खरीद कर लाखों रुपए कमा लेंगे। नहीं सोना तुम गलत कह रही हो, यहाँ पर सभी एक ही काम करते हैं, सोच कर देखो
हर किसी की लागत मेहनत बराबर ही आती होगी ना, तो फिर ये धनी राम ही इतना सस्ता आम पापड़ क्यों दे रहा है? हो ना हो, या तो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, और इस बात का हमें पता लगाना होगा। वो कैसे सर? बस जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। सभी से बातचीत करने के बाद विपुल अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है, और कुछ दिन बाद सोना एक देसी लिबास पहनकर धनीराम के पास आती है और बोलती है, सेठ काम की सख्त जरूरत है, मैं यही पास वाले गांव में रहती हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ, सुना है यहाँ पर आम पापड़ बनाने का काम होता है, क्या आप मुझे अपने साथ काम पर रख लेंगे? आप जितने भी पैसे देंगे मैं उसमें गुजारा कर लूंगी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे अपने काम के लिए किसी की जरूरत तो है, तो तुम आज से ही काम पर लग जाओ। धन्यवाद सेठ जी, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। हाँ ठीक है, अब तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आम पापड़ कैसे बनाया जाता है, ठीक है? इतना कहकर धनीराम सोना को अपने घर के भीतर बने बड़े हॉल में ले जाता है, जहाँ पर धनीराम आम पापड़ बनाने का काम किया करता था। वहाँ पर एक तरफ ताजे अच्छे आम रखे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सड़े बदबूदार आम रखे हुए थे, जिनमें से कुछ में कीड़े भी चल रहे थे। ये सब देखकर सोना बोलती है, साहब ये क्या, ये आम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुके हैं, इन्हें तो आपको फेंक देना चाहिए, वरना ये बाकी के सभी आमों को भी खराब कर देगा। अरे ऐसे कैसे फेंक दूं? यही तो है मेरी सोने की सीढ़ी। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं अपने खेत में उगे हुए सभी अच्छे आमों को रात में मंडी में ले जाता हूँ और वहाँ पर अच्छे दामों में बेच देता हूँ, इससे मुझे बहुत मुनाफा होता है, और फिर ये सड़े गले आम से मैं आम पापड़ बना देता हूँ, और जिनका दाम एक रुपए का भी नहीं है उनको भी हजारों में सबसे सस्ता दाम लगा कर बेच देता हूँ, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अच्छा तो ये है इस धनी राम की सारी सच्चाई। छी कितना घिनौना आदमी है ये, कितने लोगों की सेहत के साथ खेल रहा है, मुझे जल्द ही बॉस को इसके सारे कारनामे के बारे में बताना होगा। अरे वाह सेठ जी, क्या बात है, आप तो बहुत ही शातिर दिमाग के हैं सच में। अरे ये ही नहीं, बल्कि इसमें आम के अलावा बाकी का सारा सामान होता है, वो भी मैं घटिया ही इस्तेमाल करता हूँ, चीनी भी बेकार ही है, और वो चाशनी देखो इसमें मक्खी है, पर किसी को क्या पता, लोगों को बस स्वाद से मतलब है, और जो उनको मिल जाता है और मेरा मुनाफा हो जाता है। ऐसे ही सोना धनीराम की बातें सुनती जाती है और उसकी तरफदारी करती जाती है। कुछ ही दिनों में सोना धनीराम की सारी काली करतूतों का पक्का सबूत बना लेती है। ऐसे ही एक दिन जब धनीराम आम पापड़ बना रहा होता है, तभी वहाँ विपुल अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है और धनीराम के आम पापड़ के काम पर छापा मार देता है और बोलता है, तो धनीराम जी अब जाकर हमें समझ आया कि आपके इस सस्ते आम पापड़ को बेचने और बनाने का क्या मसला था, चलिए हम लोगों को तो पता चल गया, अब पूरे गांव वालों को भी बता दिया जाए कि आखिर आप कितने गिरे हुए आदमी हैं और लोगों की सेहत के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं। इतना कहकर विपुल धनीराम को पकड़कर सबके सामने ले जाता है, जिसके बाद सोना सभी को बताती है कि किस तरह धनीराम गंदे आम और सस्ते सामान से आम पापड़ बनाकर लोगों को बेचता है। ये सब जानने के बाद सभी लोग धनीराम की हाय हाय करने लगते हैं और हरिया बोलता है, मैं आज तक सोचता रहा कि ये बनिया होकर भी इतने खुले दिल का आदमी है कि पूरे गांव में सबसे सस्ता आम पापड़ देता है, पर आज समझ आया कि ये तो खोखला और मक्कार आदमी है जिसे बस अपने और अपने पैसों से मतलब है। छी 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 छी, मुझे तो सोच कर भी घिन आती है। धनीराम तुमने जो कुछ भी किया है अब उसकी सजा तुमको कानून देगा। नहीं नहीं साहब, मुझे कानून के हवाले मत करो, मेरे घर और बीवी बच्चों का क्या होगा? ये सब तुमको इतना घिनौना काम करने से पहले सोचना चाहिए था, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, बस आती ही होगी पुलिस। विपुल इतना बोलता ही है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और धनीराम को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद मिलावट और मानहानि का केस लगाकर धनीराम को लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। गर्मी में गरीब का चिकन ढाबा। वीरपुर गांव में दया शंकर नाम का व्यक्ति रहा करता था। दया शंकर बहुत ज्यादा मेहनती था और उसकी मेहनत को देखकर हर कोई यही कहता कि एक दिन दया शंकर बड़ा आदमी जरूर बनेगा। समय से उठकर अपने काम पर जाना, समय से काम से घर आना और अपने परिवार का ध्यान रखना दया शंकर अच्छे से जानता था।
दया शंकर का वीरपुर गांव से बाहर चिकन का ढाबा था, जिसमें दया शंकर अपने हाथों से चिकन बनाया करता था। सुनिए जी, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। अभी तक हमारे बाड़े से एक मुर्गी गायब है। पिछले महीने दो मुर्गी गायब थी। ना जाने हमारी मुर्गियां कौन चुरा रहा है। जरूर कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। मुझे तो अपनी पड़ोसन रज्जो पर ही शक है। कल ही रज्जो मुर्गियों को देखकर कह रही थी कि मुर्गी तो बड़ी तंदुरुस्त है सुरंदा बहन तुम्हारी। गांव वाले तो पहले से ही मेरे चिकन ढाबे को लेकर चिढ़े पड़े हैं, बल्कि तुम तो जानते हो मेरे ढाबे के लगे ही कितने सारे ढाबे हैं। तंदूरी नान, चिकन ढाबा, बिरयानी का ढाबा, वेज बिरयानी ढाबा, लेकिन लोगों को मेरे हाथों का चिकन का स्वाद इतना पसंद आता है कि वो खुद मेरे ढाबे की तरफ खिंचे चले आते हैं। आप इन सब चीजों पर गौर मत कीजिए, सब अच्छा होगा। दया शंकर कुछ देर बाद ही अपने ढाबे के लिए निकल पड़ता है। दया शंकर के जाने के बाद सुनंदा अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी उसकी पड़ोसन रज्जो का वहाँ आना होता है। अरे सुनंदा बहन, क्या बात है, सुबह सुबह चिल्ला रही थी। मैंने तो सुना है कि तुम्हारे बाड़े से मुर्गियाँ चोरी हो गई। अरे हाँ, ना जाने किस अभागन करमजली का काम है। जिस किसी ने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया। पिछले महीने भी मेरे बाड़े से मुर्गियाँ चोरी हो गई थी, इस बार भी चोर की हिम्मत बढ़ गई। अरे बहन, मैंने रात में दूसरे गांव के अनजान आदमी को यहाँ वहाँ घूमते देखा था, जरूर ये उसी का काम होगा। अरे जिस किसी ने भी ये काम किया है मुझे उसका नाम अच्छे से पता है। बस एक बार चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसके बाद तो मैं उसकी अच्छे से धुलाई करूंगी और चार गांव में बदनामी करूंगी वो अलग। हाँ हाँ, बस एक बार चोर पकड़ा जाए उसके बाद तो तुम उसकी अच्छे से खबर लेना। सुनंदा और दया शंकर बहुत ही सीधे साधे थे। गांव के लोग उतना ही दोनों का फायदा उठाया करते। जहाँ दया शंकर गरीब भिखारी हर किसी को फ्री में खाना खिला दिया करता, वहीं सुनंदा भी दान धर्म से खूब विश्वास रखती। दया शंकर के ढाबे के बगल में रमेश का ढाबा था, जो कि दया शंकर के ही गांव का था। साथ ही दया शंकर के ढाबे के आसपास बहुत सारे ढाबे थे। कोई मलाई चिकन का ढाबा था, तो कोई तंदूरी चिकन का ढाबा, तो कोई कढ़ाई चिकन का ढाबा। अरे दया शंकर, आजकल अच्छी कमाई कर रहा है तू, आखिर ऐसा क्या डालता है अपने इस चिकन में जो लोग तेरे चिकन को खाने के लिए खींचे चले आते हैं। बस प्यार है, ये तो हमारे अपने लोगों का, जो वो मेरे हाथों का खाना खाकर उसे भूला ही नहीं पाते। यहाँ पर जितने भी ढाबे हैं उनमें सबसे अच्छा ढाबा तेरा ही चलता है, बल्कि पप्पू के चिकन के ढाबे में भी लोगों का कम आना जाना है। रमेश दया शंकर से ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पुलिस आती है और दया शंकर से कई सारे सवाल करने लगती है। अरे दरोगा जी, आप क्या कर रहे हैं? दया शंकर भाई बड़े ही सीधे साधे और धार्मिक इंसान है। वो दारू शराब ऐसी चीज है ना, नहीं बेचते और ना ही अपने ढाबे में किसी को हाथ तक लगाने देते हैं। हाँ दारोगा जी, चाहे तो आप यहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं ना तो अपने ढाबे में दारू शराब बेचता हूँ और ना ही किसी को ये सब चीजें अपने ढाबे में लाने देता हूँ। आप चाहे तो दया शंकर के ढाबे की तलाशी ले सकते हैं। आपको जिस किसी ने भी ये खबर दी है वो बिल्कुल गलत है। कल को तो ऐसे कोई भी मेरे ढाबे में भी कुछ भी रख जाएगा और मुझे बदनाम कर देगा। रमेश और दया शंकर लगातार दरोगा से बातचीत करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जिस किसी ने भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है वो सरासर गलत है। बेशक दया शंकर चिकन का ढाबा चलाता हो, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करता। और कुछ देर बाद दरोगा भी वहाँ से निश्चिंत होकर चला जाता है। दरोगा के जाने के बाद रमेश दया शंकर से कहता है, देख दया शंकर, मैं सच बता रहा हूँ, ये काम जरूर पप्पू का ही होगा। वो तेरे चिकन के ढाबे से हमेशा चलता आया है, उसे तो मैं आज बताता हूँ। अरे जाने दो रमेश भाई, जिसके भाग्य में जो लिखा है और जितना लिखा है उसे उतना ही मिलता है। दया शंकर पर हर दिन नई नई मुसीबतें आती रहती थी। अब दया शंकर देर शाम जब अपना चिकन ढाबा बंद करके घर जाता है तो वो अपनी पत्नी सुनंदा को सारी बातें बताता है। देखिए जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांव के कुछ लोग हैं जो आपके ढाबे को देखकर जलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका ढाबा ठीक ठाक चल रहा है। और ऐसा ही रहा तो हम जल्दी ही एक बड़ा सा ढाबा बना लेंगे,
जिसमें 40-50 लोग एक साथ बैठकर चिकन खाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो कोई कर रहा है ना, सही नहीं कर रहा है। भगवान सब देख रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, भगवान सब देखता है। और आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, मुझे इतना तो विश्वास है। अब अगले दिन दयाशंकर सुबह उठकर पूजा पाठ करके अपने चिकन ढाबे के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही दयाशंकर अपनी दुकान पर पहुंचता है, तो वो देखता है इन लोगों के साथ एक बुलडोजर उसकी दुकान के पास खड़ा है। अरे दयाशंकर, अच्छा हुआ जो तू आ गया, मैं तो तुझे ही फोन करने वाला था। देख, ये लोग हमारे ढाबे को गिराने के लिए खड़े हैं। इनका कहना है कि हम अपने ढाबे की गंदगी रोड पर फेंकते हैं। ये जितना भी कूड़ा आप देख रहे हैं, यहाँ की सफाई करने वाले लोग इसे यहाँ इकट्ठा कर जाते हैं। हम तो इन्हें खुद से ही फेंकते हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। हाँ बिल्कुल, सुना आपने, ये कूड़ा हम लोगों का नहीं है। हम लोग अपना किया हुआ कूड़ा कचरा खुद फेंक कर आते हैं। अब रमेश, दया, शंकर दोनों ही MCD वालों से काफी देर तक बहस करते हैं, और नतीजा ये होता है कि वहाँ जितने भी ढाबे होते हैं, उनका MCD वाले चलान काटते हैं और उन्हें हिदायत देकर चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये एक अलग ही मुसीबत है। अगर आज हम इन MCD वालों से नहीं लड़ते, तो ये हमारी दुकान तोड़कर चले जाते। बताओ, ये कूड़ा कचरा किसी और ने फैलाया और नाम हमारा लगा दिया। सच में रमेश भाई, ये तो रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुका हूँ मैं। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से अपनी दुकान हटाकर कहीं दूर जाकर दुकान लगा लूँ। क्यों दुकान बढ़ाने की सोच रहे हो दयाशंकर भाई? अगर ऐसा है तो मैं भी कुछ समय के लिए शहर जाता हूँ, क्योंकि मेरे इस ढाबे में कुछ खास कमाई नहीं हो रही है। अगर कोई खरीदार हो तो बता देना। खरीदारी की बात कर ही रहे हो तो बस ये समझ लो कि मैंने ये ढाबा आपसे ले लिया है, क्योंकि मैं अपनी दुकान को बढ़ाना चाहता हूँ। और मेरे चिकन के ढाबे के बगल में आपका ही वेज बिरयानी का ढाबा है, वो मेरी दुकान के आगे आ रहा है। अब मैं इसे लेकर अपने ढाबे को बढ़ा सकता हूँ। अरे दयाशंकर, जैसा तुझे ठीक लगे, मेरा काम तो था बस पैसे लेना। मुझे अब ये ढाबा चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उस पूरे एरिया में जितने भी ढाबे थे, उनमें से दयाशंकर का ढाबा ही सबसे अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दयाशंकर अपनी पूरी तरक्की पर था। दयाशंकर ने रमेश का ढाबा भी खरीद लिया था, जिसे छोड़कर वो वहाँ पर एक बड़ा सा ढाबा बनाता है। और उस बड़े से ढाबे को देखकर लोगों का और भी वहाँ आना जाना होने लगता है। अब वहाँ पर जो 2-4 छोटे मोटे ढाबे थे, उन्हें भी लोग बेच देते हैं, और खरीदार होता है दयाशंकर। अजी, भगवान के घर देर है और देर नहीं। देखिए, कुछ समय पहले तक तो हमारी एक वक्त की रोटी की भी आफत थी, लेकिन आपकी मेहनत और लगन ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसीलिए तो कहते हैं, ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ हमें काम करना चाहिए। फल तो खुद भगवान दे ही देता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे बहुत खुशी है कि वीरपुर गांव में दयाशंकर की पत्नी हूँ मैं, जिनके अब कई सारे चिकन के ढाबे चलते हैं, वो भी अलग अलग तरह के चिकन के। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। इस तरह वीरपुर गांव में दयाशंकर अपनी मेहनत और लगन के कारण एक साथ कई सारे ढाबे चलाने लगता है, और उन ढाबों में वो अपने गांव के कई सारे लोगों को भी रोजगार देता है। और वो लोग भी दयाशंकर के ढाबे में काम करके खुश थे, क्योंकि दयाशंकर उन्हें खाने के साथ साथ अच्छी पगार भी दे रहा था। भले ही उस पर लाख मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन दयाशंकर ने सभी मुसीबतों का डटकर सामना किया और गर्मी में अपने चिकन के ढाबे को खूब चलाया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।